या था किसका, एनिलीन का बेटा। हाँ ठीक है राइट। तो एक बार तो हमने जब डायरेक्ट हेलोजिनेशन किया था, तो अगर हम देखें बच्चों तो BR और तो और पैरा पे सभी जगह पे BR लग गया था, क्योंकि एनिलीन काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है, इसीलिए उसने सभी जगह क्या करा था आपको, ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हो गया था। लेकिन जब हमने उसको एसाइल क्लोराइड से कराया तो ड्यू टू क्या हुआ, ये लोन पे रेजोनेंस में चला गया ऑक्सीजन से, इसका एक्टिवेशन जो एक्टिवेटिंग जो वो है बिहेवियर है वो थोड़ा कम हो गया, इसलिए अब हमें क्या मिला था बेटा, मेजर क्या मिला था हमें, पैरा वाला, और जो माइनर मिला था वो कौन सा मिला था बच्चों, ऑर्थो वाला। तो सेम चीज बेटा जब आप नाइट्रेशन करेंगे, ये इसी साल क्वेश्चन आया हुआ बेटा, इससे पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है राइट। एनसीईआरटी में भी रिएक्शन की वन है, तो जो फोर्थ रिएक्शन है बच्चों, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन बेटा, क्या है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो नाइट्रेशन क्या है बेटा, एनिलीन का नाइट्रेशन कराना है। क्लियर बेटा। तो नाइट्रेशन के लिए हमने पहले भी जो फिनॉल का नाइट्रेशन पढ़ा है, या बेंजीन का, या क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन पढ़ा है, तो हमें पता है बच्चों रिएजेंट क्या होता है। एंड अगर आपको नाइट्रेशन करना है तो रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड H2SO4, और साथ में क्या बच्चों, कंसनट्रेटेड HNO3। तो ये हमारा रिएजेंट होता है। ठीक है राइट। अब क्या करते हो बच्चों, हाँ एक बात बता दूं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। तो इंस्टेड ऑफ नाइट्रेशन क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है एज एन मेजर प्रोडक्ट बेटा। ठीक है। और साथ में यही आपस में दो बेंजीन जुड़ जाती हैं, जब रिंग जुड़ जाती हैं तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी मिलता है हमें। ठीक है राइट। लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड मैनर में करते हो नाइट्रेशन, क्या करते हो, कंट्रोल्ड मैनर में नाइट्रेशन करते हो, क्लियर है राइट। कंट्रोल्ड मैनर में मतलब थोड़ा टेम्परेचर आप कम रखते हो, तो अगर अब आप नाइट्रेशन करोगे, तो अगर अब आप करोगे तो यहाँ पे बेटा प्लीज इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ ठीक है राइट। पिछले पिछले साल ही का क्वेश्चन है ये। तो हमें मिलता है बच्चों NO2 पैरा मेटा, और मिलता है ऑर्थो। लेकिन याद रखना है बेटा ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ये 51% मिलता है, यही पूछा हुआ था उसने कि कौन सा मेजर होता है जब नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का ये, और जो माइनर होता है मतलब जो ये होता है मेटा होता है बेटा, ध्यान रखना ये 47% मिलता है, और ये सिर्फ कितना मिलता है बेटा, 2% मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह रहा हूँ क्वेश्चन आ चुका है इसका बेटा, जई ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। NH2 हाँ बेटा बताइए, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो मेटा वाला प्रोडक्ट कैसे बना? किसमें मेटा वाला NH2 तो बनेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे सॉरी NH2 था ना,
क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है ना, इंट्रा मॉलिकुलर बॉन्ड, उस वजह से क्या होता है वो यहाँ पे जाता है बेटा, ना कि यहाँ पे जाता है, क्योंकि वो वीक हो जाता है इंट्रा मॉलिकुलर। तो ये इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये इंट्रा बनाएगा, तो इंटर वाला ज्यादा बनेगा तो उधर नहीं जाएगा, वो इस पे जाएगा बेटा। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ क्या करना, ऑर्थो और पैरा ही बनाना है, ठीक है राइट। तो जैसे हमने पहले नाइट्रो बेंजीन में जब हमने क्लोरीनेशन किया था, तो मैंने उसका एक्टिवेशन कम कर दिया था। तो कैसे कम किया था, हमने इसकी रिएक्शन कराई थी RCOCl से, एसाइल क्लोराइड से कराई थी। तो हुआ क्या था बच्चों, यहाँ से वाटर निकल गया था, ये तो मिला था N, ठीक है राइट। यहाँ से सॉरी HCl निकल गया था, ये H और Cl, तो ये NH बचा था, C डबल बॉन्ड और Cl हो गया था, यही मिला था लास्ट क्लास में हमें। अब इसका जो लोन पेयर है बच्चों वो क्या है, रेजोनेंस में है, इसका मतलब अभी इसकी एक्टिवेशन क्या हो गया बेटा, कम हो गया। सेम चीज अगर आप इसका रिएक्शन, ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में, इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3CO होल ट्वाइस एनहाइड्राइड से कराया था, मैंने रिएक्शन कराई थी, ठीक है राइट। तो भी सेम ही चीज मिलता है यहाँ पे, RNH C डबल बॉन्ड, और यहाँ R की जगह क्या है, CH3 है बेटा। तो अगर आप ये CH3 लेते तो ये दोनों सेम ही मिलता, तो या तो एनहाइड्राइड से, एसेटिक एनहाइड्राइड से, या एसेटिक क्लोराइड से, जो भी आप रिएक्शन कराते हो, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, एसिटेनलाइट कहते हैं इसको। और अगर अब आप नाइट्रेशन करेंगे बेटा, अगर अब आप नाइट्रेशन करेंगे तो ये दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, ऑर्थो डायरेक्टिंग हो जाएंगे। मैं यहाँ इसको CH3 ले लेता हूँ बेटा, हाँ, सो दैट ये दोनों सेम ही हो जाए, आई एम टेकिंग इट एज इन CH3। तो NH C डबल बॉन्ड और CH3 है, यहाँ क्या मिलेगा, NO2, ठीक है। ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट देंगे बेटा, प्लस साथ में क्या हो जाएगा, NH C डबल बॉन्ड CH3, और क्या मिलेगा, NO2। और लास्ट स्टेप में अगर आपको ध्यान है, जब हमें इसे दोबारा से एनिलीन बनाया था तो मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया था, अगर आपको ध्यान है तो। ये देखिए, अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने लास्ट में हाइड्रोलिसिस किया था बच्चों, यहाँ पे ये वाला स्टेप में। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दोबारा एनिलीन मिल जाएगा, और हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है राइट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, NH2, NO2, साथ में बच्चों NH2 और NO2 मिलेगा बेटा, राइट। याद रखना ये अभी भी मेजर ही है बेटा, और ये अब माइन, ये माइनर है बेटा, अब मेटा नहीं मिलेगा हमें, क्लियर है बच्चों, राइट। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, नाइट्रेशन आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में बेटा, कितना मैं 293 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, तो अगर आप इतना करते हो इस पे तो आपको कंट्रोल मिलता है। अदरवाइज ये भी जेई एडवांस में पूछा गया है बेटा, हाँ, क्योंकि ये जे NCERT में गिवन नहीं है, तो इसलिए जेई मेंस में नहीं पूछा गया है, ये जे ये NCERT में गिवन है बेटा, तो इसलिए जेई मेंस पूछा गया है ये चीज।
तो ये थर्ड फोर्थ रिएक्शन थी बच्चों एनिलीन की। फिफ्थ रिएक्शन है बेटा सल्फोनेशन बच्चों। हाँ ठीक है राइट। तो सल्फोनेशन में क्या है बेटा, हमारे पास एनिलीन है और यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों किसके साथ, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। या फिर यहाँ पे ऐसे लिखता है बच्चों फ्यूमिंग, मतलब कंसेंट्रेट मतलब फ्यूम्स निकल रहे होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, तो फ्यूमिंग H2SO4 भी वो बोल देता है। तो आप देखिए बेटा ये क्या है, बेस है और ये क्या है बेटा एसिड है। तो यहाँ पे एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाती है, तो पहले सॉल्ट मिलता है बेटा, तो ये तो मिला NH3+ हो गया, इसने एक H दे दिया इसको, और ये बचा होगा HSO4-, तो साथ में क्या लगा होगा बच्चों HSO4- बेटा। अब होता क्या है बेटा, जब आप इसको हीट करते हो 180 डिग्री सेल्सियस पे, या मैं केल्विन पे लिख दूं तो, और 445 से 475 केल्विन तक हीट करते हो, तो होता क्या है बेटा यहाँ से वाटर निकल जाता है, एक ये एच निकल जाएगा ठीक है राइट। यहाँ से एच जैसे ही निकलेगा ना, इधर से SO3 वो अटैक करके, क्योंकि देखो यहाँ से एक एच निकला, बेसिकली क्या होगा वाटर निकलेगा, एक एच ये निकला, एक एच बेटा इधर से निकलेगा ऊपर बस ये वाले से ठीक है राइट, और एक वाटर निकला, तो यहाँ से क्या बचा SO3 बचा सिर्फ। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या हुआ, एक एच ये निकला, एक एच ये और इसका एक ऑक्सीजन, तो सिर्फ SO3 बचा, तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे, ऊपर तो बच गया NH3+ बच गया बच्चों, और नीचे बचा SO3-। अब क्या होगा, ये क्या है, इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है, तो इसका एक कैच इधर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा अब NH2 और इधर मिलेगा SO3H बच्चों ठीक है। ये सेम वो रिएक्शन है बेटा, अगर आपको ध्यान है तो जब बायोमोलिक्यूल में करते थे तो बायोमोलिक्यूल में NH2 भी होता था और COH ग्रुप भी होता था, तो वहां पे ज्विटर आयन बनाते थे, क्या बनाते थे ज्विटर आयन। तो होगा क्या बेटा, ये जो बनता है ये और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, कभी ये होगा कभी वो होगा, मतलब मैं इसके आगे लिख दूं तो ये क्या होगा बेसिकली H+ इसके पास चला जाएगा और ये रिवर्सिबल होगा रिएक्शन, तो ये क्या होता है NH3+ ये वापस मिल जाएगा और यहाँ पे SO3 मिल जाएगा माइनस, इसी को आप क्या कहते थे वहां पे ज्विटर आयन बेटा बायोमोलिक्यूल में, क्योंकि वहां भी एमाइन था और SO3 के जगह में कार्बोक्सिलिक एसिड था वहां पे। ठीक है राइट। और इसका नाम है बच्चों एनिलिक एसिड बेटा। हाँ तो ये फिफ्थ रिएक्शन थी बेटा, इसमें सिर्फ पैरा ही बनता है, आपको पैरा ही बनाना है बच्चों, वही मेजर है वही माइनर है, एक ही प्रोडक्ट है, आपको पैरा बनाना है तो ध्यान रखना है ठीक है राइट। ये सब NCERT में गिवन है बेटा रिएक्शन। हाँ सर NH3+ वाला अनस्टेबल है, फिर इक्विलिब्रियम में क्यों है ये दोनों? थ्री अनस्टेबल नहीं है बेटा, एक्चुअल में क्या होगा इसका जो लोन पेयर होगा, अगर आगो देखो तुम रेजोनेंस में होगा तीन तीन ऑक्सीजन के साथ बेटा, मैं इसको बता देता हूँ ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना बेटा।
आप ये लिख लिया तो बता, मैं बताता हूँ, आप ये लिख लिया, अगर आपने लिख लीजिए, लिख लिया सर। ठीक है। होगा क्या बेटा, यहाँ पे जब आप ऐसे बनाएंगे ना, अगर मैं वहां पे बताता हूँ, बायो मॉलिक्यूल में राइट, वहां पे क्या होता था, NH2 होता था, यहाँ पे R लगा होता था, और इधर COH ग्रुप होता था, ठीक है राइट। तो आप क्या करते थे, यहां से एक H इस पे चला जाता था, तो ये बनता था NH3+, और ये बनता था R, और ये CO-, इसी को आप वहां पे ज्विटर आयन कहते थे बेटा, ठीक है राइट। इसलिए ऐसा है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। बट होता क्या है बेटा, ये एसिडिक नहीं होता, क्योंकि इसका एक एसिडिक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है, तो ये सिर्फ ऐसे ही रहता है। तो सेम चीज क्या होगा, जब तुम यहाँ पे करोगे, आपके पास ये बेंजीन है, यहाँ पे NH3+ अगर मैं लगाता हूँ, और ये SS, और ये O, यही है राघव। तो आप देखो यहाँ पे रेजोनेंस है कि नहीं है, यस सर। ठीक है राइट। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे तुम देखो ना, ये अगर मैं यहाँ पे H रखता हूँ और यहाँ NH2 रखता हूँ, तो ये बेस है, ये एसिड है। क्या एसिड बेस एक साथ रह सकते हैं बेटा? नहीं ना, नो ये सर। बेसिक, ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड और बेस मिलके तो सॉल्ट ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। तो ये सॉल्ट ही मिल रहा है ना बेटा। तो इसका जो एक एच है, इसके पास ना रह के वो इसके पास रहेगा, NH2 के पास रहेगा, और यही बना रहेगा वहां पे। तो बेसिकली हमेशा हमें सॉल्ट ही मिलता है, ना कि हमें क्या मिलता है वहां पे, एसिड और बेस मिलता है एक साथ लगा हुआ बेटा। यस सर। रही बात लोन पेयर की, तो लोन पेयर रेजोनेंस में रहेगा बेटा, तो वो स्टेबलाइज हो रहा है उस वजह से, ठीक है बेटा यस सर। राइट। सेम चीज आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, यहाँ पे सिक्स्थ बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई, ठीक है राइट, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन बेटा। एल्काइलेशन और एसाइलेशन, वो ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों शो नहीं करता? उसके पीछे रीजन ये है बेटा, क्योंकि जब आप बेंजीन लेंगे, यहाँ पे C6H5, साथ में यहाँ NH2 होगा, ये क्या है बेटा, बेस, और जिसमें फिडल क्राफ्ट, अगर आपको रिएक्शन याद है, तो हमने रिएक्शन किससे कराई है, AlCl3 से कराई है, या लुईस एसिड से कराई है, हमेशा किसी और। अब इसके पास क्या बेटा, लोन पेयर है, इसके पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है, तो लोन पेयर क्या करेगा, वो वेकेंट ऑर्बिटल में ये लुईस बेस हो गया, वो लुईस एसिड हो गया, दोनों मिलके सॉल्ट बना लेंगे बेटा, C6H5NH2। तो NH2 ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस आ गया, AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या चार्ज आ गया, माइनस आ गया बेटा। तो क्या बना लिया बेटा, सॉल्ट बना लिया, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये आप पूछ भी सकता है कि वाई एनिलीन डज नॉट गिव फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन, बिकॉज क्या होता है बेटा, ये बेस होता है, ये एसिड होता है, सॉल्ट बन जाता है बेटा, है ना। और जब जो सॉल्ट बेटा लुईस एसिड लुईस बेस से मिलके जो सॉल्ट बनता है, उसको एडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं, बेसिकली एडक्ट बना लेता है बेटा ये, ठीक है। और कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होती बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने आप। हाँ आप ऐसे कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा इनके बीच में बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। क्लियर है सानिया, क्लियर है? यस सर। ठीक है राइट। नेक्स्ट है बच्चों, सेवंथ रिएक्शन है राइट, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन बेटा।
ठीक है राइट। अब कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं बेटा, एन आई और एच टू लेते थे हम, तो बेंजीन है यहाँ पे, क्या है बेटा एन एच टू है, ठीक है राइट, एनिलीन है और 3 मोल्स ऑफ एच टू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एन आई और क्या लिख रहा हूँ बेटा हाई टेम्परेचर, क्या लिख रहा हूँ एन आई और हाई टेम्परेचर लिख रहा हूँ, तो ये बेंजीन हटा देगा बेटा, हर जगह एच एच लगा देना, तो ये बच्चों साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों एनएच टू लग जाएगा। क्लियर है बेटा, सेवंथ रिएक्शन है, एट्थ रिएक्शन है इसकी राइट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटा। हाँ बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, ठीक है राइट, ऑफ एनिलीन बेटा। हाँ तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें मेनली बेसिकली क्या होता है, KMnO4 या K2Cr2O7 लेते हैं बेटा राइट। तो यहाँ मैं एनिलीन लिख रहा हूँ, ये भी आ चुका है क्वेश्चन बेटा, इसका एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है राइट। हमें पता है बच्चों जो KMnO4 होता है वो तीनों मीडियम में रिएक्ट करता है बेटा, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, लेकिन जो K2Cr2O7 होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रखता हूँ, KMnO4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, एनिलीन की एक डाई मिलती है, ठीक है राइट। फॉर्मूला बेटा बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है स्ट्रक्चर, इसलिए कहीं गिवन नहीं है, तो बस आप याद रखना एनिलीन की डाई मिलती है, मतलब कलर मिलता है, ठीक है राइट, और ये ब्लैक कलर का होता है बेटा। हाँ तो ब्लैक कलर की डाई मिलती है आपको जब आप एसिडिक मीडियम में एनिलीन को लेते हो, मतलब इसकी एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हो एनिलीन की बच्चों। ये वाला गिवन है बेटा एनसीईआरटी में राइट, या और किसी रेफरेंस बुक में गिवन है, तो ये आ सकता है आपको, ठीक है। फिर है बेटा एल्कलाइन KMnO4, मतलब बेसिक KMnO4, तो बेसिक KMnO4 से आपको क्या बनाना है बेटा, ठीक है राइट, ये प्रोडक्ट बनता है, इसको कहते हैं बच्चों एजो बेंजीन, क्या कहते हैं एजो बेंजीन बेटा, और अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेटा किसके साथ, न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं KMnO4 को, तो आपको तो ये तो एजो बेंजीन तो बनाना ही है, साथ में नाइट्रो बेंजीन भी बन जाता है बेटा। हाँ नेक्स्ट है बेटा, अगर हम रिएक्शन कराते हैं K2Cr2O7 बेटा, ये एसिडिक मीडियम में ही होता है बेटा, या फिर H2CrO4 से करा दें रिएक्शन क्रोमिक एसिड से, तो आपको बेंजा क्यूनोन बनाना है, ये
और अगर आप रिएक्शन कराते हैं बच्चों NaOCl के साथ बेटा, या फिर NaOH लगाओ और साथ में क्या हो बेटा Cl2 हो, तो आपको क्या बनाना है, एनिलीन बनेगा, ठीक है राइट। और नीचे आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे OH लगा देना बेटा, फिनॉल बना देना, नीचे OH लगा देना, लास्ट है। अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेटा CF3CO3H बेटा, हाँ ध्यान रखना यहाँ पे CO3H है बेटा, हाँ तो ये क्या पर एसिड है, पर एसिड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, क्योंकि इसमें सोर्स होता है एसिडिक हाइड्रोजन का, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स होता है ये, क्योंकि यहाँ पे CO3H है तो एक ऑक्सीजन नेसेंट होगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एनिलीन से क्या बन जाएगा, सीधे सीधे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर है बेटा राइट। तो ये था बेटा एनिलीन राइट। एक दो एक आध इसका टेस्ट है वो भी मैं बता देता हूँ बेटा राइट, ठीक है। बताना बच्चों अगर लिख लिया तो, लिख लिया सर, ठीक है राइट। नेक्स्ट है बेटा राइट, इसमें टेस्ट है, एक टेस्ट नेम रिएक्शन के टेस्ट है बेटा, तो मैं वो लिख रहा हूं। बेसिकली बेटा ये टेस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं एनिलीन में भी, बट सॉरी एमाइन में भी, बट मैं यहां लिख रहा हूं इसकी रिएक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास सेकेंडरी एनिलीन है बेटा, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH है, ठीक है, और साथ में क्या बेटा CH3 है, इसकी रिएक्शन में HNO2 से कराता हूँ, किससे कराता हूँ HNO2 से बेटा, हाँ तो जो HNO जो 2 होगा, ठीक है राइट, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा OH और NO बेटा, ठीक है राइट, HNO2 को, तो यहां से क्या होगा, ये H और OH निकल जाएगा बेटा, तो हमें मिलेगा N, यहाँ पे CH3 बेटा डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा O मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ये येलो कलर का ऑयल होता है बेटा, ठीक है, सेम आप इसको इसके साथ भी कर सकते हो, सेकेंडरी एमाइन के साथ भी कर सकते हो, CH3 यहाँ पे क्या बेटा, सॉरी N है और यहाँ पे H है बेटा, OH और NH, सॉरी NO,
तो यहां से वाटर आप निकाल दोगे तो हमें मिला था CH3 डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड क्या बेटा हो, ये भी येलो ऑयल होता है। बेसिकली बेटा दिस इज यूज्ड टू टेस्ट है ना, इज यूज्ड टू टेस्ट सेकेंडरी अमाइन बच्चों, हाँ सेकेंडरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है और इसको कहते हैं बेटा एंड इट इज कॉल्ड एज लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन राइट। ये जो नाइट इसको जो कंपाउंड को बोलते हैं एन नाइट्रोसो बोलते हैं, ठीक है राइट, तो इसलिए इसका नाम है बेटा लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। ठीक है राइट, आप लिखना है तो लिख सकते हैं एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन बेटा, तो येलो कलर का आपको ऑयल मिलता है। इस रिएक्शन को लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन कहते हैं बेटा। हाँ सेम अगर आप 3 डिग्री से करोगे, 3 डिग्री वाले को लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन नहीं कहते हैं, बट मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है राइट, पूछा जा सकता है, ठीक है राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा 3 डिग्री ले रहा हूँ CH3 यहाँ पे N है और फिर क्या लगा है बेटा बेंजीन लगा हुआ है और फिर रिएक्शन करा रहा हूँ मैं वही OH और NO मतलब HNO2 के साथ, तो करना क्या अब क्या करता है बेटा इसका, ये एक H लेके चलाता है जाता है, इस बेंजीन का H लेके चला जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे तो H है नहीं, वो बेंजीन कैच लेके चला जाएगा, तो आपको मिलेगा CN CH3 और बेंजीन और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा डबल बॉन्ड ओ मिल जाएगा। तो अगर आप लिखोगे तो N, N डाइमिथाइल हो जाएगा ये, है ना, तो N, N डाइमिथाइल ठीक है राइट एनिलीन हो जाएगा और आगे लगा दोगे क्या एन नाइट्रोसो बेटा या पी नाइट्रोसो, है ना, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रोसो बेटा, ठीक है राइट ले लो राइट। ये जो होता है बेटा ये ग्रीन कलर का होता है ऑयल बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो ये येलो कलर का क्या मिलता है हमें, ऑयल मिलता है। ठीक है राइट, तो ये बेटा पूरा का पूरा एनिलीन था बेटा राइट। अब इसी में बेटा क्या है, एक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी ने इसी में गिवन है बेटा राइट, वो भी नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है राइट। अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा राइट, वो जब हम डिस्कस कर लेंगे तो ये हमारा बेटा चैप्टर जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है राइट। सो वो जो कंपाउंड है बच्चों वो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा नाइट्रोजन कंपाउंड, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप कुछ भी बना सकते हो बेटा, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हो इससे आप डाइजोनियम सॉल्ट से बेटा, ठीक है राइट।
अब डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे बेटा? ठीक है राइट, हम क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं बच्चों। एनिलीन की रिएक्शन क्या कराते हैं बेटा, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। याद रखना बेटा 0 to 5 degree Celsius टेम्परेचर होता है यहाँ पे, कोल्ड कंडीशन होती है, या फिर ये दोनों जब मिलेगा बच्चों तो HNO2 मिलता है हमें। तो या तो HNO2 आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, या ये होता है बेसिकली HNO2 अनस्टेबल होता है बेटा, तो वो क्या होता है हम तुरंत बनाते हैं, तुरंत यूज कर लेते हैं, इसीलिए रेडीमेड नहीं लेते हैं इसको हम। बट कभी कभार अगर डायरेक्टली HNO2 दिया रहे तो भी आप कर देना, ठीक है राइट। तो यहाँ पे बनता है बेटा N2+ और Cl- बेटा, इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, साथ में NaCl और जो वाटर है वो निकल जाएगा बेटा। तो देखिए बेटा क्या Cl तो वैसे भी लगा नहीं है और N2 पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा। N2 एक बहुत अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, तो तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है राइट। और क्या होगा, जैसे ही N2 निकलेगा आप कोई सा भी उस पर कोई भी रिएजेंट उस पर क्या कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो बेटा, ऐड कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, ठीक है राइट। एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो किससे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा। हाँ, कुछ हम एक दो रिएक्शंस पढ़ भी चुके हैं पहले पिछले चैप्टर्स में राइट, तो यहाँ पे वो दोबारा रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। पहला है बेटा, फर्स्ट है इसकी रिएक्शन राइट, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड बेटा, हाँ, और साइनाइड। रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड। अगर अब आप समझ सकते हैं कि आप क्लोरोबेंजीन या नाइट्रोबेंजीन बना रहे होंगे, सॉरी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना रहे होंगे, तो बेसिकली क्या करना है आपको, यहाँ बेंजीन का डाइजोनियम सॉल्ट लेना है और इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ बेटा CuCl से और साथ में क्या है HCl, तो आप क्या कर देना बच्चों, क्लोरोबेंजीन बना देना बेटा, क्या बना देना, क्लोरोबेंजीन, N2 अलग हो जाएगा बेटा। और अगर हम यहाँ पे CuBr और HBr से रिएक्शन कराते हैं, आप यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना देना बेटा और N2 फिर से अलग कर देना। और अगर रिएक्शन हम CuCn से कराते हैं और यहाँ KCn है बेटा, तो भी आप इसको हटा देना और यहाँ क्या लगा देना बेटा, CN, ठीक है राइट। आपको याद है ही रिएक्शन का क्या नाम था, नेम रिएक्शन थी बेटा ये, हेलोएरीन में पढ़ा था, किसी को याद है, एनीबडी नोज इट? नहीं, पिछला चैप्टर बेटा रिवाइज करते रहिए। इसका नाम था सेंडमियर रिएक्शन बेटा, क्या था, सेंडमियर रिएक्शन बच्चों, हाँ। सो दिस इज सेंडमियर रिएक्शन, जब आपने क्या करा, हैलाइड और साइनाइड से रिप्लेस कर दिया किसको, N2 को बेटा। क्लियर है बच्चों? ऑलराइट, बताना बच्चों, आई विल टर्न द पेज बेटा। लिख लिया, ठीक है राइट। नेक्स्ट है बेटा राइट, इसी से बेटा बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन है राइट, मैं इसको इसी में करा रहा हूँ।
ठीक है राइट। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूं Cu, सिर्फ कॉपर है बेटा, कॉपर पाउडर है, यहाँ पे कॉपर पाउडर लेते हैं, प्रोडक्ट सेम ही बनता है बेटा, और साथ में लेते हैं HCl, या फिर कॉपर पाउडर लेते हैं या फिर क्या लेता हूँ HBr, तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाना है और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है राइट। साथ में N2 निकल जाएगा बेटा और CuX, और यहाँ भी CuX निकलता है, X मतलब यहाँ पे Cl या Br लगा सकते हो आप, ठीक है राइट। इस रिएक्शन का भी नेम है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा गेटरमैन रिएक्शन, क्या बोलते थे गेटरमैन रिएक्शन, वो सैंडमेयर रिएक्शन है बेटा, जब आप CuCl लेते हो या CuBr लेते हो, जब Cu अलग लेते हो और HCl अलग लेते हो तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है राइट। एक बस याद रखना है बेटा, जो यील्ड है सैंडमेयर रिएक्शन की वो ज्यादा मिलती है किससे, यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज ग्रेटर देन गेटरमैन रिएक्शन बेटा, नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन है बेटा, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ या रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, तो अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बेटा किससे कराते हैं, KI से कराते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे सीधे सीधे आई लगा देना, आयोडोबेंजीन बना देना, ठीक है राइट, KCl और N2 बेटा अलग हो जाएगा, तो ये बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडाइड आयन। थर्ड है बच्चों रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन बेटा, ठीक है बच्चों राइट। तो यहाँ पे किससे रिएक्शन कराते हैं हम, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा, हम HBF4 से कराते हैं बेटा रिएक्शन, किससे कराते हैं HBF4 से, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है बेटा राइट, होगा क्या यहाँ से H और Cl निकल जाएगा बेटा, ये तो पहले N2 ही रहेगा और BF4 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और फिर अगर आप फर्दर हीट करोगे अब क्या होता है डायरेक्टली क्या बनता है बेटा फ्लोरीन जुड़ जाता है बेटा राइट, BF3 और N2 अलग हो जाता है बेटा, ठीक है बेटा राइट। HBF4 को बेटा फ्लोरो ब्रोम बोरिक एसिड कहते हैं, आप लिखना तो लिख सकते हैं, ये थर्ड रिएक्शन है बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोराइड आयन। फोर्थ है बेटा रिप्लेसमेंट बाय
एच बेटा, हाइड्राइड बेटा, हाँ, रिप्लेसमेंट बाय एच बेटा। तो कोई भी अगर हम क्या करते हैं बेटा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है राइट, बेसिकली क्या होता है, जैसे आप ले सकते हो H3PO2 ले सकते हो, या फिर आप कोई अल्कोहल ले सकते हो C2H5OH, तो वो क्या करता है, इससे हम एच रिप्लेस हो जाता है और बेंजीन बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है बेटा, ठीक है राइट। तो अगर हम रिएक्शन करते हैं बेटा, इसकी कराते हैं N2+Cl- और इसमें कराते हैं S3PO2 बेटा। S3PO2 का नाम होता है बच्चों हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है राइट, या इसका नाम है फॉस्फीनिक एसिड बेटा, निक एसिड। तो अगर आप हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फोनिक एसिड से कराते हो तो क्या करना है आपको, यहाँ से सबको हटा के बेटा एच लगा देना है, तो बेंजीन बन जाएगा बेटा। मैं एच दिखा नहीं रहा हूँ, या दिखाने चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो आप, तो सीधे बेंजीन बन जाएगा बेटा। ये N2 हो जाएगा और H3PO4 खुद ऑक्सीडाइज कर जाएगा और क्या बनाएगा, सॉरी H3PO3 बना लेगा। सेम जब आप इसके साथ कराओगे रिएक्शन बेटा अल्कोहल के साथ, तो भी आपको बेंजीन बनाना है बेटा, साथ में बनाना है N2 और अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना लेगा बेटा। हाँ तो ये क्या है बेटा, राइट, रिप्लेसमेंट क्या है बेटा, एच के साथ है बेटा। फिफ्थ रिएक्शन है बेटा रिप्लेसमेंट बाय ओएच ग्रुप बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज ओएच ग्रुप बेटा। तो बेसिकली करते क्या है बेटा हम, अगर क्या है जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो आप स्लाइटली क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, जैसे 283 केल्विन 10 डिग्री तक लेके आते हैं, जैसे आपने 025 लिखा था, बट अगर आप 10 डिग्री तक लेके आते हैं उसको, तो जो डाइजोनियम जो सॉल्ट है गेट हाइड्रोलाइज्ड बेटा, उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है टू गिव फिनॉल बेटा, क्या देगा, फिनॉल दे देगा हमें, क्लियर है बच्चों, राइट। तो अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं बेटा यहां पे, तो अगर हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा, है ना, और यहाँ पे आपने वाटर लिया हुआ है और 283 केल्विन है, आप डायरेक्टली क्या बना देना बेटा, फिनॉल बना देना, OH बना देना, क्लियर है बच्चों। तो ये बेटा सिक्स्थ रिएक्शन है,
राइट, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप बेटा, हाँ दैट इज एनओ टू है ना। तो अगर मुझे इसकी रिएक्शन करानी है इससे, तो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, हम डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं बच्चों, और इसकी रिएक्शन कराते हैं पहले वही HBF4 से जो अभी हमने कराया था। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट मिला था बेटा हमें, N2 तो प्लस था और BF4 क्या था बेटा, माइनस था। अब इसकी रिएक्शन हम क्या कराते हैं बेटा, NaNO2 से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट। तो ये सारा का सारा क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा निकल जाता है ग्रुप और यहाँ पे लग जाता है बेटा NO2, और N2 अलग हो गया और NaBF4 अलग हो जाता है बेटा। तो यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, नाइट्रो बेंजीन मिल गया बेटा। क्लियर है बच्चों, राइट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा, राइट। राइट, लास्ट है बेटा इसका, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है, राइट। अभी सेकंड टाइप रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे तो डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें तो हमने N2 को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, राइट। बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, राइट, एक जो ये जो डाइजो ग्रुप है दूसरे डाइजो ग्रुप्स के साथ उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब कपलिंग करा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अभी एक टाइप बी है, पहला सब ए टाइप चल रहा था बेटा, राइट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, हर साल या हर दूसरे साल ये रिपीट होती है रिएक्शन एग्जाम में, ठीक है, राइट। इसको क्या कहते हैं बेटा, कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुड़ जाता है दो ग्रुप्स, दो डाइजोनियम सॉल्ट जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट, मे बी आपके एग्जाम में भी आए, ठीक है, राइट। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा, ठीक है, राइट, N2 प्लस और Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी बेटा फिनॉल से OH। तो होता क्या है बेटा यहाँ पे, राइट, ठीक है, यहाँ पे ये तो एक बेंजीन होगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, बेंजीन होगा, और यहाँ पे OH लग जाएगा लास्ट बेटा, Cl माइनस अलग हो जाएगा बेटा, और वाटर अलग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, राइट। ये जो होता है बेटा, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये पूछेगा आपसे, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ऑरेंज कलर की डाई होते हैं ये, तो इसको बोलेंगे बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बेटा, क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्योंकि जब ये ग्रुप जुड़ा था तो हमने इसको एजो बोला था बेटा स्टार्टिंग में, जब मैंने क्रिएशन कराई थी, ठीक है, राइट। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन क्या होता है बेटा, ऑरेंज कलर की डाई होती है बेटा, राइट। यही अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेटा इसकी डाइजोनियम सॉल्ट की प्लस Cl माइनस,
और अब हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे बेटा, एनिलीन से, खुद ही, ठीक है राइट। तो यहाँ पे बनेगा बेटा सेम ही चीज बनाओगे आप, ये तो बेंजीन लगा दिया, फिर एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ क्या लगा दिया बेटा, एन एच टू लगा दिया। अब इसको बोलेंगे पैरा एमिनो, एजो बेंजीन बेटा, ठीक है राइट। और ये येलो डाई होती है बेटा, हाँ येलो कलर डाई होती है, प्लीज याद करके जाइएगा बेटा, आएगा ही आएगा क्वेश्चन बेटा, मिस नहीं होगा। हाँ ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, राइट। तो कल की क्लास में बेटा मैं कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूंगा, राइट, और एक दो नाइट्रोबेंजीन की कुछ रिएक्शंस हैं तो वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म ही है बेटा, मुझे थोड़ा सा कराना है इसमें। एक क्वेश्चन करते हैं, CH3NO2 है बच्चों, राइट, और रिएक्शन मैंने करा दी Br2 से बच्चों। अब बताइए बच्चों क्या करोगे आप, पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, Br2 मतलब ब्रोमिनेशन करेंगे, तो बताइए इसको कहाँ जोड़ू बच्चों में, इस CH3 को, सॉरी इस Br को कहाँ जोड़ेंगे, कौन बताएगा, किसके रिस्पेक्ट में जोड़ेंगे। अगर आप ध्यान दो बेटा, ये CH3 क्या है, एक्टिवेटर है, प्लस एच इफेक्ट है, और इसका तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है बेटा, तो इसके रिस्पेक्ट में या तो ये पैरा पे ऑर्थो पे जोड़ सकता है, पैरा पे ऑलरेडी लगा है, तो कहाँ पे जोड़ेंगे इसको हम, पैरा पे बेटा, सॉरी ऑर्थो पे, तो मैंने Br लगा दिया किस पे बेटा, ऑर्थो पे। अब इसकी रिएक्शन अगर वो फर्दर कराता है SN और HCl से, ये रिएक्शन हमने करी थी बच्चों, बताइए SN HCl क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो नाइट्रो कंपाउंड को क्या क्या रिड्यूस कर देता है, वो एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो बच्चों क्या रहा Br, और यहाँ क्या हो गया NH2 आ गया। और अगर अब मैं रिएक्शन कराता हूँ NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ, तो बताइए क्या बनाओगे बच्चों, डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे। आपने क्या बनाया यहाँ पे, ये तो CH3 रहा, ये Br रहा, और ये हो गया N2 प्लस, और क्या हो गया बच्चों Cl माइनस, क्लियर है राइट। और अगर अब मैं रिएक्शन कराता हूँ यहाँ पे किसके साथ, H3PO2 के साथ कराता हूँ, तो H3PO2 के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा निकल जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, CH3 क्या मिला बेटा, Br मिला। और अगर मैं अब फर्दर रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो KMnO4 क्या है, बेसिक मीडियम है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, एसिड बना देगा बेटा, तो आपको क्या मिलेगा COH, और क्या मिलेगा बेटा Br। तो ज्यादातर जो हमने रिएक्शन देखी है बेटा, वो सारी की सारी हमने इस इक्वेशन में यूज कराया है, ठीक है राइट, ब्रोमीन किया, फिर हमने ये हमने पहले पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ है, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था हमने तब, क्लियर है बच्चों, राइट, यस या नो बच्चों, यस यस। सो ये बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा, राइट, थोड़ा बहुत कल हम इसमें और करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, क्योंकि मे बी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ठीक है राइट, और कुछ नाइट्रोस जो नाइट्रोबेंजीन के कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, और हम ये चैप्टर बेटा खत्म कर लेंगे, और हमारा सिलेबस भी बेटा तब खत्म हो जाएगा बेटा इस चीज को, क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों, हाँ ठीक है बेटा, राइट, ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।